बस्मान रहीम मैं हूँ रिजवान अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई आटोज डियर आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं वो है डी एफ एस के ग्लोरी फाइव एटी प्रो गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो ग्लैक्सी ग्रिल के ऊपर डी एफ एस के का लोगो गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है बंपर में मौजूद क्रोम लाइन जो गाड़ी को स्पोर्टी लुक दे रहा है हेड की बात की जाए एल में दी गई है इस पर टर्न इंडिकेटर रनिंग लाइट की शक्ल में दिया गया है जो कि गाड़ी की खूबसूरती और लुक में इजाफा कर रहा है हेडलाइट की बात करें लो बीम में दो एलईडी चलेंगी अगर हाई बीम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो चारों लाइट्स चलेंगी फोग लाइट की जगह कॉर्निंग लाइट दी गई हैं इस फंक्शन की मदद से रात में गाड़ी चलाने के वक्त बेहतर असिस्टेंस मिलती है और रात में सड़क की साइड क्लियर नज़र आती है गाड़ी के इंजन की बात करें तो टर्बो 1500 सीसी इंजन दिया गया है जो कि 150 सौ हार्स पावर और 220 सौ मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो 18 इंच अलॉय व्हील के साथ ब्रेक कैलिपर को रेड कलर देने से गाड़ी को स्पोर्टी लुक मिल रही है आउटसाइड मिरर पर एलईडी टर्न इंडिकेटर क्रोम डोर हैंडल डोर विंडोज अराउंड क्रोम आउटलाइन दी गई है रूफ रेल सिल्वर में दी गई है गाड़ी की रियर प्रोफाइल की बात करें तो छत पर चार फिन एंटीना और स्पॉयलर और स्पॉयलर में हाई बीम ब्रेक लैम्प दिया गया है रियर विंड शील्ड पर पाइपर का ऑप्शन भी मिलता है टेल लाइट एल में दी गई है इसके साथ रनिंग लाइट में इंडिकेटर दिया गया है डुअल एग्जॉस्ट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर कैमरा भी दिया गया है टंकलेट को आप पुश बटन की मदद से खोल सकते हैं और ऑटो बूट की मदद से बंद भी कर सकते हैं ये गाड़ी सेवन सीट्स पर मुश्तिल है थर्ड रो को बंद करके लगेज स्पेस को बढ़ाया जा सकता है गाड़ी की 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 बात की जाए तो यहाँ हमें कीलेस एंट्री दी गई है गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो आउटसाइड मिरर कंट्रोल के साथ रिटेक्टेबल की सहूलत बूट ओपन के लिए बटन हेडलाइट एडजस्टमेंट कंट्रोलर दिया गया है मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग पर हमें ऑडियो कंट्रोल क्रूज कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए बटन दिए गए हैं गाड़ी को स्टार्ट किया जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत खूबसूरत लुक देता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टीएफटी एफ कलर्ड नहीं है डोर ओपनिंग की वार्निंग गाड़ी की करंट स्पीड टायर प्रेशर की वैल्यूज गाड़ी की टोटल माइलेज टीएफटी में शो होती है एसी को एसी कंट्रोल पैनल से या इन्फोटेन सिस्टम से भी ऑपरेट किया जा सकता है एसी कंट्रोल पैनल से नीचे की जानेब चंद एक बटन दिए गए हैं जिनमें थ्री डिग्री का बटन भी दिया गया है जब आप इसको प्रेस करते हैं तो गाड़ी का 360 व्यू इन्फोटेन सिस्टम में अपीयर हो जाएगा अगर आप ग्लोरी को कोई भी कमांड देना चाहते हैं तो स्टेरिंग पर भी इसका बटन दिया गया है इसकी प्री कमांड जो कि मैनुअल में दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी को कमांड दे सकते हैं गेयर लीवर के गेयर ब्लैक पियानो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है गाड़ी में सीवीटी गियर मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक का फंक्शन भी दिया गया है सेंट्रल कंसोल पर ऑडियो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बटन दिए गए हैं डोर को डुअल टोन कलर में डिज़ाइन किया गया है डोर पॉकेट पावर विंडो कंट्रोल बटन दिए गए हैं गाड़ी में चार एयर बैग्स दिए गए हैं गाड़ी की फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं गाड़ी की सेफ्टी की बात की जाए तो गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम दिया गया है